सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। तो आने वाले टाइम में कल वेनसडे है, बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी होने वाला है। बैंक निफ्टी अपने में बहुत अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे। तो हम जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं वन डे टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी जो है मल्टीपल टाइम 4-5 दिन अपने में कंटिन्यू अपने में स्लो एंड स्टडी अपसाइड मोमेंटम कर रहा था और सब में 24,000 के आसपास यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी विफ्टी अपने में ऑलमोस्ट हायर है फॉर्मेशन बना के कंटिन्यू अपने में अपसाइड मोमेंटम कर रहा है। और सब में अराउंड अभी भी निफ्टी का जो क्लोजिंग है सब में ऑल टाइम हाई के आसपास हुआ है। तो निफ्टी अपने आप में आने वाले टाइम में अपने आप में अपसाइड एक अच्छे खासे मोमेंटम कर सकता है। तो अभी हम थोड़ा सा 15 मिनट में एनालिसिस करेंगे गाइस। तो 15 मिनट में आज निफ्टी का कई जोन के गैप अप ओपन हुआ था 24,300 के ऊपर। उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी ऑलमोस्ट अपने आप में ऑल टाइम हाई के आसपास से 24,400 कहने की अपने में ऑल टाइम हाई था। उसके बाद में बैंक निफ्टी विफ्टी कंटिन्यू अपने में हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम किया है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में नीचे की तरफ से एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है। मल्टीपल टाइम निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आ रहा था तो अपने आप में अपसाइड अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा था। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नीचे की तरफ से एक इंपॉर्टेंट अच्छा खासा एक ट्रेंड लाइन आने की वजह से अभी निफ्टी में लोअर लेवल के आसपास कुछ एक गैप पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी इस गैप को फिल करने के नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो उसी के बाद में हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, अगर कल निफ्टी का इस जोन के पास फ्लैट ओपन होता है हम थोड़ा वेट करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी अगेन अपने आप में नीचे की तरफ आता है 24,300 इस जोन के आसपास अगेन अपने आप में सपोर्ट बना के पुल बैक में ऊपर करता है कुछ 24,420 के ऊपर 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है उसके बाद हम सी साइड प्लान करेंगे। या फिर अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का डायरेक्टली इसी जोन के आसपास कुछ डायरेक्टली गैप डाउन ओपन होता है वेट एंड वॉच। अगर निफ्टी अगेन 24,300 इस जोन के आसपास सपोर्ट बना के पुल बैक में ऊपर जाता है तो भी हम उसके इसमें सी साइड प्लान कर सकते हैं। या फिर अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का डायरेक्टली 24,600 के बाद गैप अप ओपन होता है तो उसके इसमें हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी फिफ्टी कंटिन्यूशन में नीचे की तरफ आता है सब में अराउंड 24,420 के आसपास या निफ्टी फिफ्टी 24,300 के इस जोन के आसपास अपने आप में सपोर्ट बना के अगेन पुल बैक में ऊपर जाता है तब भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। तो उसी के बाद में हम थोड़ा सा कल के लिए सिंपल रखेंगे। अगर कल निफ्टी का इस जोन के आसपास कहीं पर भी फ्लैट ओपन होता है वेल एंड गुड। अगर निफ्टी 24,420 के ऊपर सस्टेन करता है उसके बाद में सी साइड प्लान करेंगे। फर्स्ट टारगेट 24,500, सेकंड टारगेट 24,600 मिनिमम प्लान कर सकते हैं। अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है इस जोन के आसपास और निफ्टी अगर अपने में गलती से भी 24,300 के नीचे कुछ 15 मिनट कैंडल क्लोज करता है उसके बाद निफ्टी में नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। तो निफ्टी अगर 24,300 के नीचे सस्टेन करता है उसके बाद हम पी साइड प्लान करेंगे। हमारा जो फर्स्ट टारगेट है सब में 24,200 और अगर निफ्टी उसके अगेन भी नीचे सस्टेन करता है तो हमारे को निफ्टी में 24,100 तक हम मिनिमम टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा सा बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेंगे गाइस। तो आज बैंक निफ्टी का 52,400 के बाद कुछ गैप अप ओपन हुआ था उसके बाद बैंक निफ्टी कंटिन्यू में नीचे की तरफ आया 52,300 के बाद अपने में सपोर्ट बना। यहाँ पर आपको दिख रहा है एक सपोर्ट लेवल था इस जोन के पास सपोर्ट बना के निफ्टी बैंक निफ्टी कंटिन्यूशन में अपने में हायर फॉर्मेशन बना के अपसाइड मोमेंटम करा और सब में अराउंड 52,600 टू 52,500 इस जोन के अंदर निफ्टी बहुत टाइम तक अपने में वेट करता बहुत सस्टेन भी किया है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निफ्टी में जो है अपने आप में कुछ ऊपर की तरफ से एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है और सब में अराउंड निफ्टी में 52,800 टू 52,200 अच्छा खासा निफ्टी में बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक गैप भी पेंडिंग है। तो आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी अपने आप में इस गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी अभी नीचे की तरफ से अगर यहाँ पर देख सकते हो बैंक निफ्टी में आपको एक पैटर्न तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मल्टीपल टाइम इस जोन के यहाँ पर अपने में रिटेस्ट कर चुका है और नीचे की तरफ से एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक मैंने एक बोले तो एक ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ से भी ड्रॉ करके रखा हूँ जो कि एज ए अपने में सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बैंक निफ्टी अपने में मल्टीपल टाइम एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा था और अपने में लास्ट टू आवर में बैंक निफ्टी अपने में एक ही चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। उसी के साथ में हमारा प्लान ऑफ एक्शन हम कल के लिए क्या प्लान कर सकते हैं, अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का डायरेक्टली 52,400 के बाद गैप डाउन ओपन होता है तो हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी 50 अपने में 15 मिनट में कुछ प्राइस एक्शन बना के पुल बैक में नीचे आता है कंटिन्यू और 24,400 के नीचे 15 मिनट के अंदर क्लोज करता है उसके बाद हम एक पी साइड प्लान करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट 52,200 और सेकंड टारगेट सब में अराउंड 52,000 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। व्हाट इफ अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का फ्लैट ओपन होता है इस जोन के आसपास, निफ्टी अगर फ्लैट ओपन होता है बहुत अच्छी बात है क्योंकि अपने को अच्छा खासा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपसाइड। अगर निफ्टी गलती से भी अपने 52,600 क्रॉस करता है 15 मिनट के अंदर
कैंडल क्लोज करता है उस केस में अपसाइड अच्छे खासे मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं सी साइड। उस केस में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है समवेयर अराउंड 52,800, सेकंड टारगेट 53,000 और थर्ड टारगेट 53,200 तक हम मिनिमम प्लान कर सकते हैं। 40 पर अगर इमेजिन करो कल निफ्टी का बहुत बड़ा 53,200 के बाद गैप ओपन होता है तो उस केस में हम 10-20 रुपए का एसएल डाल के 40-50 पॉइंट के लिए हम पी साइड प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी कंटिन्यूशन में नीचे आता है अगेन अपने में समवेयर अराउंड 52,600 के बाद अगेन अपने में सपोर्ट बढ़ा के पुल बैक में रिवर्स जाता है तो उस केस में भी हम सी साइड प्लान कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा गाइस। थैंक यू।